आज हम बनाएंगे गुड़ के लड्डू। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट। इन लड्डुओं को खाने से कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द दूर होता है और सर्दियों में बहुत खाए जाते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए रेसिपी बताते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप जकिया दिल्ली। आज की रेसिपी है हमारी गुड़ के लड्डू। सर्दियों में हर घर में बनाए जाते हैं, आप भी बनाकर जरूर ट्राई करें। आइए रेसिपी बताते हैं। ये हमने गुड़ ले लिया है 1 किलो और इसे इस तरीके से हमने काट लिया है। और ये देसी घी ले लिया हमने 300 ग्राम। 100 ग्राम काजू ले लिए हमने, बारीक काट लिया है। 100 ग्राम बादाम ले लिए, इन्हें इस तरीके से बारीक काट लिया है। 100 ग्राम तिल ले लिए हैं, ये 100 ग्राम गोला है, इसे भी हमने बारीक तरह से घिस लिया है। और ये 2 चम्मच सौंफ का पाउडर और 2 चम्मच धखनी मिर्च का पाउडर। ये 100 ग्राम मखाने पाउडर, 50 ग्राम कनी और 50 ग्राम गोंद, ये ले लिया हमने। इन सब मसालों को मिलाकर हम बनाएंगे गुड़ के लड्डू। लड्डू बनाने के लिए हमने ये कढ़ाई रख दी है, इसमें अब घी डालेंगे 2 चम्मच। और इसे गरम करेंगे। घी गरम हो गया था, इसमें काजू डाल दिए हैं हमने फ्राई करने के लिए। दो से 3 मिनट तक हम काजुओं को फ्राई करेंगे। काजुओं को हमने फ्राई कर लिया, अब इसे निकालेंगे। काजू को इस तरह से हमने फ्राई कर लिया है, अब फिर से घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है, इसमें बादाम डाल देंगे और इन्हें भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे अच्छे से। बादाम फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकालेंगे। बादामों को हमने इस तरह से फ्राई कर लिया है। 2 चम्मच घी फिर से ऐड कर दिया हमने और इसे गरम करेंगे। घी गरम हो गया है, इसमें तिल ऐड कर देंगे और तिलों को भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। तिलों को भी हमने फ्राई कर लिया है, इसे भी हम निकालेंगे। तिल को हमने इस तरह से फ्राई कर लिया है। घी को 2 चम्मच और गरम कर लेंगे और अब गोला डालेंगे। इसको भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे अच्छे से। इस तरह से फ्राई कर लेंगे। गोला फ्राई हो चुका है, इसे अब निकाल लेंगे। गोले को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। 2 चम्मच घी ऐड कर देंगे। गोंद और कनी फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे हम। गोंद और कनी हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया, इसे निकालेंगे। गोंद और कनी को हमने इस तरीके से फ्राई कर लिया है। 2 चम्मच घी फिर से गरम करेंगे। घी गरम हो गया है, अब मखाने का पाउडर डाल देंगे। इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे अच्छे से। मखाने फ्राई हो चुके हैं, अब इसे निकालेंगे। मखाने का पाउडर को हमने इस तरीके से फ्राई कर लिया है। गोंद और कनी का भी हमने पाउडर बना लिया है, इस तरीके से देखिए। अब कढ़ाई में हम गुड़ डालेंगे। गुड़ हमने कढ़ाई में डाल दिया है, इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे।
गुड़ को हम इस तरीके से पकाएंगे। गुड़ को हमने 4 से 5 मिनट तक पका लिया है, देखिए इस तरीके से पका लेंगे। गुड़ को अब हम भगोने में कर लेंगे इस तरीके से। गुड़ को हमने भगोने में कर दिया है और इसमें बादाम डालेंगे। और काजू डालेंगे। गोंद और कनी डालेंगे। तिल डालेंगे। दखनी मिर्च और सौंफ डालेंगे। मखाने डालेंगे। और गोला डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्की आंच पर हम इसे पकाएंगे। सब सामान हमने मिक्स कर दिया। अब इसे 2 से 3 मिनट तक हम ठंडा होने देंगे और फिर लड्डू बनाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ठंडा कर लिया हमने और अब इसके लड्डू बनाएंगे इस तरीके से। इतने बड़े बड़े हम लड्डू बनाएंगे देखिए, और इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं देखिए। हमने 2 साइज के लड्डू बनाए हैं, ये बड़े बनाए हैं, ये छोटे बनाए हैं। आप कैसे भी बना सकते हैं और ये दर्द में भी काम आते हैं। अगर कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है और सर्दियों में भी बहुत खाए जाते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये लड्डू कैसे लगे। बाय बाय, टाटा।